माय नेम इज अनिका चौहान फ्रॉम क्लास 8 और आपका अपने YouTube चैनल पे ट्यूशन पॉइंट में स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के साइंस का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट और आज इसका है पार्ट 1 एग्रीकल्चर एंड क्रॉप। आज हम इस चैप्टर के अंदर एग्रीकल्चर एंड क्रॉप का जो मेन कॉन्सेप्ट है उसे हम ध्यान से समझेंगे। तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसमें हम इस चैप्टर में हम करेंगे क्या, क्रॉप की जो प्रोडक्शन होती है, क्रॉप कैसे उगती है, क्रॉप जब उगती है तो उससे परेशानी क्या क्या आती है जो फेस करता है एक फार्मर की लाइफ को थोड़ा समझेंगे कि कैसे कैसे वो जीते हैं, क्या क्या वो करते हैं एक क्रॉप को ग्रो करने के लिए, और जब वो प्रोडक्शन हो जाती है तो उसका मैनेजमेंट कैसे होता है कि मैं उसे स्टोर कैसे करते हैं, वो सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसके अंदर क्रॉप ही नहीं, हम एनिमल हस्बेंड्री भी देखेंगे। एनिमल हस्बेंड्री मतलब जैसे कैटल होती है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे शीप को हम पालते हैं फाइबर लेने के लिए, गाय को हम पालते हैं दूध लेने के लिए, वैसे वो ही एनिमल हस्बेंड्री होती है, एनिमल से कुछ प्रोडक्ट लेने के लिए। आगे हम उसे समझेंगे अच्छे से, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पार्ट वन है एग्रीकल्चर एंड क्रॉप। तो स्टार्टिंग से करते हैं एग्रीकल्चर से। व्हाट इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर क्या है, द साइंस ऑफ फार्मिंग इंक्लूडिंग कल्टीवेशन ऑफ सॉइल एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल। रेयरिंग ऑफ एनिमल क्या होता है, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, जिसमें मैंने आपको पहले कहा था द साइंस ऑफ फार्मिंग। साइंस ऑफ फार्मिंग मतलब फार्मिंग का ऐसी साइंस, फार्मिंग में बहुत सारे अलग अलग साइंस होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो स्पेस के अलग साइंस होते हैं, एस्ट्रोफिजिसिस्ट जो होते हैं, और धरती के अलग साइंस होती है, जियोलॉजिस्ट जो होते हैं, ठीक है, तो अलग अलग साइंस होते हैं। जो साइंस ऑफ फार्मिंग जो होती है, फार्मिंग में जो साइंस लगती है, जो इंक्लूड करते हैं कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, कल्टीवेशन ऑफ सॉइल का मतलब है क्रॉप्स उगाना, ठीक है, एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स। रेयरिंग ऑफ एनिमल्स मतलब हम एनिमल्स की देखभाल करते हैं, उन्हें पालते हैं पोसते हैं, ठीक है। अब हम ये क्यों करते हैं एग्रीकल्चर में, हम क्यों करते हैं एग्रीकल्चर, हम करते हैं ताकि हमें कुछ चीज़ मिल सके उससे रिटर्न। क्रॉप उगा रहे हैं, क्रॉप से क्या मिलेगा, हमें प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा, है ना, खाने के लिए यूज़ होगी, एनर्जी बनाएंगे हमारी बॉडी में। आपने पढ़ा होगा सेवन्थ क्लास में चैप्टर रेस्पायरिंग ऑर्गेनिज्म, है ना, उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि खाना हम खाते हैं तो उससे कैसे एनर्जी बनती है, तो वही काम होता है क्रॉप्स का। क्रॉप्स क्या करते हैं, हमें एनर्जी देते हैं, है ना, हम उन्हें क्रॉप्स को उगाते हैं और वो हमें एनर्जी देते हैं। और रियरिंग ऑफ एनिमल्स का मतलब क्या है, एनिमल्स को हम रियर करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, और उनसे जो प्रोडक्ट्स लेते हैं, जैसे दूध हो गया, घी हो गया, बटर हो गया, ठीक है, और पनीर हो गया, तो ये सब जितने भी हमने लिए उनके अंदर प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं, तो हमने उन्हें पाला पोसा क्यों, ताकि हमें कुछ उनसे मिल सके, ठीक है। तो हम क्यों करते हैं, ताकि हमें कुछ प्रोड्यूस मिल सके। अब देखो, आपको ये तो पता है कि रेयरिंग ऑफ एनिमल करके हमें क्या मिलता है, बहुत सारी चीज़ मिलती है, फाइबर मिलता है, फाइबर किससे मिलता है, शीप से मिलता है, गोट से हमें मीट मिलता है और दूध मिलता है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। और क्रॉप्स के प्रोड्यूस के बारे में जानते हैं, क्रॉप प्रोड्यूस को हम कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, क्रॉप प्रोड्यूस कहते हैं क्रॉप के प्रोड्यूस पे। अब क्रॉप प्रोड्यूस है वो किस किस चीज़ों का बन सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो होता है फाइबर हो सकता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हो सकते हैं, सीरियल्स होते हैं। सीरियल्स का मतलब आपको पता नहीं होगा, सीरियल्स का मतलब ये होता है जो ग्रेन्स होते हैं, जैसे वीट हो गया, है ना, आटा, मैदा हो गया, ये सब जितनी भी चीज़ होती हैं, बार्ले हो गया, है ना, ये जितने भी चीज़ होती है उन्हें हम ग्रेन के अंदर काउंट करते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स का मतलब होता है जो पल्सेस होती है, दाल होती है ना, अरहर की दाल, मूंग की दाल, है ना, तो वो सब दाल को हम कहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स, ठीक है। अब तक यहाँ तक समझ में आ गया, तब क्रॉप प्रोड्यूस किस किस एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, फाइबर हो सकता है ना, कॉटन उगा रहे, फाइबर आ रहा है, तो आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर था हमने, एग्रीकल्चर पढ़ा, अब इसे तोड़ते हैं दो टुकड़ों में। एग्रीकल्चर जो होता है वो दो लैटिन वर्ड से मिलके बना होता है, एक तो होता है एगर, दूसरा होता है कल्चर, ठीक है, एक होता है एगर, दूसरा होता है कल्चर, ये आपको दिमाग में रखना है, ओलंपियड वाले बच्चों को भी यहाँ पे ध्यान में रखना है जो एनएसओ के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। एगर का मीन्स होता है फील्ड, कल्चर का मीन्स होता है कल्टीवेशन। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, अगर आपके एग्जाम फाइनल ईयर या फिर हाफ ईयरली में ये आ रहा हो। एगर का मीन्स फील्ड, कल्चर का मतलब कल्टीवेशन। इसका मतलब क्या है, फील्ड में कल्टीवेशन करना, फील्ड में पौधे ग्रो करना, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे हो गया। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, वो है हमारा क्रॉप, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्रॉप, एग्रीकल्चर एंड क्रॉप, है ना, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्रॉप। क्रॉप क्या है, द प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन एंड कल्टीवेटेड इन लार्ज क्वांटिटी इन अ फील्ड आर कॉल्ड
क्रॉप प्लांट्स और सिंपली एज क्रॉप, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे अंडरलाइन क्यों किया, अंडरलाइन इसलिए किया ताकि इम्फेसाइज कर सकूँ, थोड़ा सा बता सकूँ कि इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है। आपको बस ये वर्ड्स याद रखने और आपको पूरा वो बन जाएगा। द प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड का मतलब अगर वीट का प्लांट है तो वीट के ही प्लांट होंगे पूरी क्रॉप को, तभी वो क्रॉप कहलाई जाएगी वीट की, है ना। ऐसा नहीं कि बीच में आपने वो उगा दिया, बीच में वो उगा दिया, वो वेजिटेबल लगा दी, वो वैसे नहीं, पूरी क्रॉप ही वीट की होगी, सारे प्लांट्स उसके अंदर वीट के ही होंगे। अब नेक्स्ट पे जाते हैं, ग्रोन एंड कल्टीवेटेड। ग्रोन एंड कल्टीवेटेड मतलब उन्हें हम कल्टीवेट करते हैं, उन्हें प्लांट सीडलिंग से प्लांट बनाते हैं, उन्हें उगाते हैं, ठीक है। और वो जब ग्रो होते हैं तब ग्रो किस क्वांटिटी में होते हैं, लार्ज क्वांटिटी मतलब बहुत बड़ी फील्ड पे, बहुत ज़्यादा वो होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक टन है ना, एक टन वीट पहुँचाते हैं, बहुत ज़्यादा वीट होता है, आपको दिख भी रही होगी यहाँ पे फील्ड स्क्रीन पे, ठीक है। लार्ज क्वांटिटी इन अ फील्ड, ठीक है, सॉरी यहाँ पे इज आ गया, इन अ फील्ड आर कॉल्ड क्रॉप प्लांट और सिंपली एज क्रॉप। अ फील्ड का मतलब क्या है, एक ही फील्ड में, एट वन प्लेस है ना, एट वन प्लेस। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ, सेम काइंड के जो प्लांट्स हैं ग्रोन और कल्टीवेटेड, उन्हें उगाया जाता है लार्ज क्वांटिटी में, बहुत बड़ी क्वांटिटी में, बहुत बड़ी अमाउंट में, एक ही प्लेस पे, है ना। ये होना चाहिए कि वो अगर वीट का प्लांट होगा तो वीट की सारी क्रॉप्स होंगी, ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ, द प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, एक काइंड के प्लांट्स जो ग्रोन कल्टीवेटेड जो कल्टीवेट होते हैं प्लांट वो फार्मर के द्वारा, इन लार्ज क्वांटिटी बड़ी बड़ी संख्या में, इन वन फील्ड आर कॉल्ड क्रॉप प्लांट्स और सिंपली एज क्रॉप। लार्ज क्वांटिटी होनी चाहिए, बहुत बड़ी क्वांटिटी, ऐसे नहीं बोल सकते कि आपका गार्डन है या फिर आपके घर के बाजू में आपने लगा के कुछ प्लांट तो वो क्रॉप होगी, वो क्रॉप नहीं होती। क्रॉप होती है बहुत बड़ी, आप देख ही रहे होंगे फोटो में, बहुत बड़ी क्रॉप आपको दिख रही होगी, पूरी जो फील्ड होगी उसमें वीट के ही प्लांट्स होंगे, तभी वो वीट की क्रॉप होगी, या फिर पैडी, या पैडी का मीन्स होता है राइस, ठीक है, राइस के ही प्लांट्स होंगे तभी वो पैडी की फील्ड कहलाएगी, ठीक है। आगे बढ़ने, अब मैंने बोला था फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉप का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉप प्रोड्यूस। अब क्रॉप प्रोड्यूस जो होता है उसमें बहुत सारे वो होते हैं, मतलब जो कौन कौन से क्रॉप प्रोड्यूस होते हैं, पिछले सेक्शन में भी आपसे मैंने बात करी थी क्रॉप प्रोड्यूस के बारे में। स्टार्ट करते हैं, क्रॉप प्रोड्यूस में एक होता है सीरियल क्रॉप, सीरियल ग्रेन क्रॉप का मतलब होता है जैसे वीट हो गया, बार्ले हो गया, है ना, ये सब जो हमारे वीट क्रॉप्स होते हैं, जैसे मैदा हो गया, है ना, ये सब जितनी भी चीजें होती हैं वो हमारे खाने में एक एज अ कार्बोहाइड्रेट के सोर्स में यूज होता है ना। तो जितनी भी चीजें होती हैं उन्हें हम कहते हैं, यहाँ पे आपको टेबल भी दिख रही होगी, है ना, दिख रही है ना, तो उस टेबल में आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे सीरियल क्रॉप और ग्रेन क्रॉप्स का क्या एग्जाम्पल है। अब जो सीरियल क्रॉप्स है, सीरियल क्रॉप्स का मेन काम होता है कार्बोहाइड्रेट पहुंचाना, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स पहुंचाना मेन काम होता है सीरियल क्रॉप्स, या फिर इन्हें हम ग्रेन क्रॉप्स भी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे है हमारा फाइबर क्रॉप्स क्या है, फाइबर क्रॉप फॉर एग्जांपल कॉटन हो गया, है ना, फ्लैक्स हो गया, फ्लैक्स हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, सेवन्थ क्लास में, है ना। तो फाइबर क्रॉप्स क्या होते हैं, हमें कपड़े के लिए फाइबर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो पल्सिस क्या काम करते हैं, पल्सिस को दाल से क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, पल्सिस को हम दाल कहते हैं और लेग्यूमिनस प्लांट्स भी कहते हैं, ठीक है, या फिर लेग्यूम्स भी बोल सकते हो आप। अब इससे क्या मिलता है, प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन्स। अब जो ऑयल सीड्स होती हैं, ऑयल सीड्स का मतलब जैसे सनफ्लावर की ऑयल सीड, मस्टर्ड, है ना, ये आपको दिख भी होगी यहाँ पे टेबल, है ना, वापस से दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे देख लिया अपने टेबल। आगे बढ़ते हैं, ऑयल सीड्स क्या होती है, ऑयल सीड्स वो सीड्स होती हैं जो हमें फैट प्रोवाइड करते हैं, ऑयल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ऑयल और फैट। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ क्या कार्बोहाइड्रेट जिसमें यूज होता था क्विक एनर्जी प्रोवाइड करने में, जैसे ब्रेड होता है क्विक एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो कार्बोहाइड्रेट का जो न्यूट्रिएंट होता है वो हमें मिलता है सीरियल क्रॉप या ग्रेन क्रॉप से, जैसे रोटी होती है ना, रोटी खा के एकदम एनर्जी आता है, एकदम एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी। फाइबर क्रॉप क्या होते हैं, जैसे वो कॉटन हो गया, फ्लैक्स हो गया, वो हम उगाते हैं, जैसे ठीक है कॉटन की आपको फील्ड दिख रही होगी यहाँ पे व्हाइट कलर की, वो स्नो स्नो जैसी दिखती है, लेकिन वो स्नो नहीं होती, वो होती है कॉटन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फाइबर क्रॉप क्या होती है,
फाइबर क्रॉप्स आर द क्रॉप्स दैट प्रोवाइड्स अस फाइबर, ठीक है। अब पल्सेस और लेग्यूम्स होते हैं प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन प्रोवाइड कराते हैं। आगे हम इनका बहुत बड़ा यूज देखेंगे, नाइट्रोजन जो फिक्सेशन वाला हमारा सेक्शन होगा उसके अंदर इनका बहुत बड़ा हाथ होता है, वो भी देखेंगे। प्रोटीन प्रोवाइड करवाती है क्या, दाल एंड लेग्यूम्स, और ऑयल सीड्स का प्रोवाइड करती है ऑयल एंड फैट्स, फैट्स जिससे जो फैट्स है कार्बोहाइड्रेट का भाई समझ सकते हो, कार्बोहाइड्रेट फैट्स एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट क्विक एनर्जी देता है और फैट सेटल हो जाता है, लेकिन जब जब हमारे पास एनर्जी नहीं होती, जब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट नहीं होता तब वो फैट यूज होता रहता है ना, ठीक है। चलो समझ में आ गया, चलो नेक्स्ट सेशन पे पहुंच जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा अपना सेशन। अब हमने दूसरा सेशन स्टार्ट करेंगे तो हम थोड़ा सा क्रॉप के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम एक क्रॉप का अलग सेगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो होती है वो होती है छोटे स्केल पे होती है, ठीक है, इतने स्केल पे नहीं होती जितनी क्रॉप्स होती है, क्रॉप से छोटे स्केल पे होते हैं, ठीक है। जैसे वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, है ना, आर ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल आर कॉल्ड हॉर्टिकल्चर, नॉट एज लार्ज एज क्रॉप, ठीक है। इतना लार्ज नहीं होता जो क्रॉप के बराबर आ जाए, लेकिन छोटा मोटा होता है, आराम से हो जाता है, ठीक है। क्रॉप से जो छोटा ही होता है लेकिन तब भी लार्ज स्केल पे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, आपको दिख रही होगी हॉर्टिकल्चर की फोटो, अब यहाँ पे देख सकते हैं हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप है, एक तो होता है हॉर्टस, इससे निकल कर आता है, और एक निकल कर आता है इससे कल्चर, ठीक है। हॉर्टस का मीन होता है गार्डन, गार्डन, और कल्चर का मीन मैंने आपको पहले बताया था एग्रीकल्चर में कल्टीवेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझ में क्या है, गार्डन में जो कल्टीवेशन होती है उसे हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप कहते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप क्या होती है, गार्डन क्रॉप, ठीक है। इसकी एक बार डेफिनेशन देख लीजिए, वेजिटेबल फ्रूट्स एंड फ्लावर्स ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। इसमें डेकोरेशन के प्लांट्स भी आते हैं, आपको दिख रही होगी हॉर्टिकल्चर की, यहाँ पे आपको टेबल दिख रही होगी क्या क्या चीजें आती है इसके अंदर, इसके अंदर डेकोरेशन की भी चीजें आती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैक्टस हो गया, कैक्टस डेकोरेशन पर्पज के लिए यूज होता है ना, वो भी इसमें ग्रो होती है। वेजिटेबल्स होती है जैसे पोटैटो, टमाटो, फ्रूट्स होते हैं। चलिए अब दूसरे सेगमेंट पे जाते हैं। अब क्लासिफिकेशन हम करेंगे किसके अकॉर्डिंग, सबसे पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए आपको, किसके अकॉर्डिंग आप क्लासिफिकेशन करना चाहते हो। तो क्लासिफिकेशन हम करेंगे क्रॉप्स का सीजन के अकॉर्डिंग, ठीक है, किसका सीजन अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन करेंगे हम, ठीक है, सीजन के अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन करेंगे हम। और जो सीजन के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन होगा वो तीन भागों में डिवाइड होगा, पहला होगा खरीफ क्रॉप्स, दूसरा होगा रबी क्रॉप्स, तीसरा होगा जैद क्रॉप। हमारे तीन सीजन भी होते हैं, समर, विंटर और रेनी। खरीफ क्रॉप क्या होंगे, खरीफ क्रॉप वो क्रॉप होंगी जो मॉनसून में हम उगाएंगे, ठीक है, मॉनसून में हमारी होंगी। मॉनसून में क्यों, क्योंकि खरीफ क्रॉप की क्वालिटी होती है कि उन्हें बहुत ज्यादा पानी चाहिए, जैसे पैडी होता है, पैडी को तो इतना ज्यादा पानी चाहिए, इतना ज्यादा पानी चाहिए कि पैडी में हमेशा पानी डाला रहना चाहिए, है? जो खरीफ क्रॉप होती है जैसे फॉर एग्जाम्पल पैडी, पैडी का मतलब होता है राइस, इतना ज्यादा पानी चाहती है वो कि वो स्टैंडिंग वाटर में रहती है, स्टैंडिंग वाटर मतलब वो खड़ी रहती है और पानी कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए उन्हें पानी की, है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए उन्हें पानी की, है ना, पानी रुकना नहीं चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, ये किस, ये कौन से आपको ये याद रखना पड़ेगा अलग अलग, अब एनसीईआरटी बुक में तो ये अलग वो सेम सेम है, जैसे एनसीईआरटी बुक में लिखा है जुलाई टू अक्टूबर, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि प्लांटेड इन जुलाई, जुलाई के अंदर उसे बोया जाता है और हार्वेस्टेड इन अक्टूबर, हार्वेस्ट मतलब उसे मतलब प्लांट करोगे जब उग जाएगा तब निकालोगे भी तो, है ना, ताकि हम बेच सकें उसे, है ना, या फिर खा सकें, तो निकालोगे तो उसे निकालने के प्रोसेस को हम कहते हैं हार्वेस्टेड। प्लांटेड हम उसे बोते हैं जुलाई में और उसे निकालते हैं अक्टूबर में, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल क्या होगी, एग्जाम्पल मैं वैसे भी दे दूंगा आपको, यहाँ पे आ जाएगा आपको स्क्रीनशॉट, आ गया, हाँ देख लिया, चलो आगे। अब एग्जाम्पल है इसके पैडी, सोयाबीन, मेज। पैडी का मतलब होता है राइस, सोयाबीन आपने देखी होगी, मेज होता है वो वीट के जैसे ग्रेन, होल ग्रेन, ठीक है। ग्रेन इसमें क्या है, एक तो ये ग्रेन और एक ये ग्रेन, है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल इसका आपने देख लिया, खरीफ क्या, खरीफ क्रॉप क्यों, क्या होती है, मानसून क्रॉप होती है, इन्हें ज्यादा पानी चाहिए इसलिए मानसून में उगाई जाती है और मानसून में ही निकाली भी जाती है, प्लांटेड इन जुलाई और हार्वेस्टेड इन अक्टूबर, इन्हें कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल पैडी, पैडी का मतलब होता है राइस और इन्हें कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए होती है। आगे बढ़ते हैं, रबी क्रॉप, रबी क्रॉप होती है हमारी विंटर क्रॉप, विंटर क्रॉप क्यों, क्योंकि विंटर में कम पानी होता है और रबी क्रॉप को कम पानी की जरूरत होती है, ठीक है।
अब यहाँ पे हम देखेंगे ये प्लांटेड किसमें होती है, अक्टूबर में, है ना, जस्ट इसके बाद अक्टूबर में जब ये हार्वेस्टेड होती है तब ये प्लांट की जाती है, ठीक है। हम देखेंगे क्रॉप रोटेशन के प्रोसेस, बहुत आगे आगे प्रोसेस है लेकिन वो अभी इस वीडियो में नहीं है, वो नेक्स्ट पार्ट में आएंगे हमारे, ठीक है, ये हमारी वीडियो का लास्ट सेक्शन है, ठीक है। प्लांटेड इन अक्टूबर, अक्टूबर में उसे बोया जाता है, और हार्वेस्टेड इन मार्च, ठीक है, हार्वेस्टेड इन मार्च, अगले साल के मार्च वाले महीने में उसे हार्वेस्ट किया जाता है। इसके एग्जाम्पल है वीट एंड मटर, वीट एक वो है हमारा, क्या बोलते हैं, वीट एक हमारा है होल ग्रेन, ठीक है, ग्रेन मान सकते हैं, और ये मस्टर्ड, मस्टर्ड आपने देखा ही होगा, मस्टर्ड का ऑयल निकलता है ना, तो ऑयल चीज हो गया। जैद क्रॉप्स, अब जैद क्रॉप्स नहीं आपके एनसीईआरटी बुक में, मैंने अपने आप से डाला है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप होती है, ताकि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि समर विंटर और मानसून के अलग अलग क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, थीके? तो बढ़ते हैं जैद क्रॉप्स, जैद क्रॉप्स क्या होते हैं, वो समर क्रॉप्स होते हैं, मार्च में देखो ये हार्वेस्टेड होता है तब उन्हें प्लांट किया जाता है, ठीक है, तब उन्हें प्लांट किया जाता है, और ये जब हार्वेस्ट होती है उसी के एरिया में ये खरीफ क्रॉप्स प्लांटेड होती है। समझ सकते हो कैसे कनेक्टेड है, ये प्लांट देखो, ये प्लांट हुई मार्च में, ये हार्वेस्ट हो गई जून में, जून जुलाई के महीने में ये खरीफ क्रॉप प्लांट हुई, हार्वेस्ट हुई अक्टूबर में, अक्टूबर के महीने में रबी क्रॉप प्लांटेड हुई, और हार्वेस्ट हुई मार्च में, और मार्च के महीने में फिर से जैद क्रॉप्स, तो इंटरकनेक्टेड है, लिंक्ड है ना। अब ये ऐसा नहीं हो सकता कि अक्टूबर में ही करनी है, अक्टूबर में नहीं करी तो फसल नहीं होगी, अक्टूबर में ही करनी, जुलाई में करनी, जून में करनी, ऐसे नहीं, उसे हम चेंज कर सकते हैं, फार्मर पर फार्मर डिपेंड करता है ना, उसका मन होगा तो अक्टूबर में कर लेगा, नहीं तो सेप्टेम्बर कर लेगा, है ना, बात तो एक ही है तब भी। चलो अब आगे देखते हैं, प्लांटेड इन मार्च हार्वेस्टेड इन जून, और इसके एग्जाम्पल है वाटरमेलन, मस्कमेलन और कुकुम्बर, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे, मैं थोड़ी देर साइड उठूंगा, आप देख सकते हो स्क्रीन पे बहुत सारी चीजें आ गई, आ गई, हाँ आपने देख लिया, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो गए। जल्दी से रिवाइज कर देते हैं, एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर इज द साइंस ऑफ फार्मिंग ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सॉइल एंड रियरिंग ऑफ एनिमल, एनिमल की रियरिंग और कल्टीवेशन ऑफ सॉइल को हम एग्रीकल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर के एग्जाम्पल्स में हमने क्या क्या देखा था, एग्रीकल्चर के टुकड़े करते हमने, एक एगर आया था, एगर का मीन्स होता है फील्ड, और कल्चर आया था, कल्चर का मीन्स होता है कल्टीवेशन, उसके आगे हमने क्या पढ़ा था, क्रॉप्स पढ़ी थी, यस, क्रॉप्स होती है, आर द सेम प्लांट्स ग्रोन इन अ लार्ज क्वांटिटीज एट वन प्लेस, है ना, एक प्लेस पे बहुत बड़ी क्वांटिटी में सेम प्लांट उगाए जाते हैं, उन्हें हम क्रॉप कहते हैं। जैसे वीट का क्रॉप होगा, मतलब वीट का क्रॉप का मतलब है पूरा हमारा प्लांट है, और यहाँ पे वीट 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 वीट, ठीक है, बहुत बड़ा ये फील्ड है, आपको दिख रही होगी यहाँ पे वीट की यहाँ पे तस्वीर, है ना, पैडी देख सकते हो, सोयाबीन देख सकते हो, राइस देख सकते हो, है ना, राइस पैडी सेम ही होते हैं, ठीक है, इसमें कुछ नहीं हुआ, मस्टर्ड भी देख सकते हो, सनफ्लावर भी देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चला था कि क्रॉप्स को जो होता है प्रोड्यूस, फाइनल प्रोड्यूस जो होता है उसे हम कहते हैं क्रॉप प्रोड्यूस। क्रॉप प्रोड्यूस को क्या मतलब होता है, क्रॉप प्रोड्यूस का मतलब ये होता है, क्रॉप प्रोड्यूस का मतलब जो हमें मिला उससे, हमने प्लांट को तो बो दिया, हमें मिलेगा क्या उससे, है ना, हमें अपना फायदा देखना है ना, हमें उससे मिलेगा क्या, हाँ, अब हमें, हमने देखा था उससे ऑयल सीड मिलता है, फैट मिलता है ना, ऑयल सीड मिलते हैं, फैट मिलता है, और हमें क्या मिलता है, पल्सेस मिलते हैं लेग्यूम्स, जिसके अंदर प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन होता है, हमें क्या मिलता है, होल ग्रेन मिलता है, जिसके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और हमें फाइबर मिलता है जिससे हमें हम कपड़े सीते हैं ना, फॉर एग्जांपल कॉटन हो गया, फ्लैक्स हो गया, है ना, ये सब हमारे वो हो गए। अब हमने क्या पढ़ा था आगे, हॉर्टिकल्चर क्रॉप, हॉर्टिकल्चर क्रॉप होती है जो क्रॉप कम एरिया में ग्रो हुई जाती है लेकिन तब भी बहुत लार्ज अमाउंट में होती है। हॉर्टिकल्चर को हमने तोड़ा था हॉर्टस और कल्चर, कल्चर का मीन्स मैंने पहले बताया था कल्टीवेशन, हॉर्टस का मीन्स होता है गार्डन, गार्डन में जो कल्टीवेशन होती है उसे हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं, ठीक है। अब हॉर्टिकल्चर का एग्जांपल मैंने आपको दे दी, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। अब क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप हमने पढ़ा था, खरीफ क्रॉप मानसून क्रॉप होती है, रबी क्रॉप विंटर क्रॉप होती है, ज़ादी क्रॉप जैद क्रॉप समर क्रॉप होती है, ये प्लांटेड के सीजन आप देख सकते हो, उसके एग्जाम्पल आप देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग माय वीडियो, और इसके अगले पार्ट्स आपको जल्दी से जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।